यहाँ पे जो कंप्लेंट दिया गया है वो कंप्लेंट इशू कर लिया गया है और कल 2 बजे ए डिवीजन ऑफिस पर जो है उन्होंने पुलिस वालों ने आने के लिए कहा है। इंशाल्लाह कल 2 बजे वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। मैं तमाम साथियों से, तमाम हजरात से, तमाम गुलबर्गा के मुस्लिम भाइयों से, तमाम ऑर्गेनाइजेशन से ये गुजारिश करता हूँ कि अमन व शांति कायम रखे और इन्होंने काफ़ी अच्छा एश्योरेंस दिया है, काफ़ी अच्छी बात की है। इंशाल्लाह कल 2 बजे वहाँ पे पहुँच के जो है कंप्लेंट भी दिया जाएगा, FIR किया जाएगा और अगर खुदा ना खास्ता कुछ और मजीद अगर कोई ऐसी बात होती है तो कल इंशाल्लाह उसके बाद मजीद सबको जमा होना है और सबको जमा होकर के अपने ईमानी इमादियत का सबूत देना है इंशाल्लाह। ये मामला ईमान के साथ में है, ये मामला ईमान के साथ में है और सारे अहबाब से मैं बड़े ही ये दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि अमन और शांति कायम रखिए। किसी किस्म की कोई भी जो है झड़प या किसी किस्म की कोई ऐसी जो है वो झगड़े की माहौल पैदा होने मत दीजिए। इंशाल्लाह ताला कल अगर कोई ऐसी बात होती है तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो है ना फिर वो सारे बात देखी जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की सबसे बड़ी गुजारिश है। 11 तारीख को जो बीजेपी की रैली में अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में जो गुस्ताखी की गई थी उसके खिलाफ आज कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है। सर्कल साहब ने हमें यह आश्वासन दिया है कि कल 2 बजे तक FIR उस पर करेंगे।